दोस्तों, गरम तवे पर ताला क्यों रखनी है, ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यानी कि बहुत ही ज़रूरी वीडियो है दोस्तों। आप स्किप ना करके ना पूरा वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज मैं 15 टिप आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हर किसी का काम आने वाला है। तो चलिए बक बक ना करके वीडियो को शुरू किया जाए। ये जो प्यूरीफायर है ना, यानी कि टिप नंबर वन, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको जो ऊपर की जो बॉडी है उसको हम धो लेते हैं, लेकिन जहाँ से पानी निकल रही है वहाँ भी तो क्लीन करना चाहिए। ये बहुत कोई नहीं जानते हैं दोस्तों। जो लोग पहले से करते हो वो तो बढ़िया है, और जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए ये टिप है। जहाँ से पानी निकल रहे हैं ना, तो हम ये जो बाढ़ सूखती है तो इसकी थ्रू से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। हर रोज़ नहीं, लेकिन महीने में एक बार तो ज़रूर कर लेना ज़रूरी है। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। अगली वाला टिप किचन की जो उलझी हुई काम होती है, तो उलझी हुई काम को हम एक काम को दो बार तीन बार क्यों करें, क्योंकि अगर हम इस तरह से सब्जी वगैरह काटेंगे ना तो फिर से हमें हाथों से उठाकर डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। कुछ ऐसा करते हैं ना कि हम सब्जी भी काटें और हमें दोबारा से इसको क्लीन करना ना पड़े, यानी कि डायरेक्ट चले जाएगा ये डस्टबिन में। तो पहले इस तरह की जो प्लास्टिक की झूठी हर किसी के घर में होते हैं तो ले कीजिए, और ये जो कैरी होती है ना ये भी तो हर किसी के घर में होते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है हर रोज़। तो इस तरह से अगर इस झूरी में पहना दोगे, उसके बाद जब खाना बनाना स्टार्ट करोगे, यानी कि सुबह अगर हम ये काम कर लेते हैं और जब तक खाना नहीं बनता है यानी कि सब कुछ काम नहीं हो जाता है तब तक ये ऐसा रहेगा। जब सब कुछ हो जाएगा ना तब इस तरह से इस कैरी को पकड़ेंगे और ये चला जाएगा डस्ट। हर रोज़ अगर ऐसे करोगे ना तो देखोगे बहुत ही काम आसान हो जाएगा। ये टिप ज़रूर आजमा कर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब बढ़ते हैं और दूसरी अगली टिप की तरह। तो अगली टिप होगी इस तरह की ब्लाउज़ को लेकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पार्टी वगैरह होती है तो हम गॉर्जेसी साड़ी के साथ गॉर्जेसी ब्लाउज़ भी पहनते हैं, लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि हम जो इस ब्लाउज़ में ये पिन लगाते हैं ना, सेफ्टी पिन, तो कभी कभी क्या होता है जिसके पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर टाना टानी में होता है ना तो इसमें फंस जाता है, साड़ी हो या फिर ब्लाउज हो फंस जाता है, तो हमें कभी कभी उसको छेड़ देना भी पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की जो मोती होते हैं ना, हर किसी के घर में होते ही हैं किसी ना किसी तरह की, इस तरह से अगर पहना दोगे ना सेफ्टी पिन के अंदर, तो देखो किसी भी तरह से ये पिन के अंदर साड़ी हो या फिर ब्लाउज नहीं अटकेगा, यानी कि नहीं फंसेगा दोस्तों। अब बात ये है कि अगर मोती ना हो तो क्या करें इमरजेंसी के लिए, हर औरत के पास तो ये बिंदी होती है ना, तो बिंदी को इस तरह से अगर डाल दोगे तो एक ही काम करेगा, किसी भी तरह से ये फंसेगा नहीं। बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों। इस तरह से ना कीमती कीमती ब्लाउज हो या फिर साड़ियाँ हम बचा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको पता नहीं था तो इस तरह से कर सकते हो, जिसको पता है वो तो कोई बात नहीं है। तो चलिए जब छोटा पिन डालोगे तो छोटा बिंदी डालने से ही पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो अगली वाला टिप होगी, जब हम ब्लाउज खरीद के लाते हैं तो इस तरह की जो हुक होती है तो चकाचक रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सालों साल पड़ा रहता है अलमीरा के अंदर, तो हमें जब यूज़ करनी होती है तो देखते हैं जंग लग जाता है, तो हमें दिक्कत होती है। तो अगर हम इस तरह से पेपर की मदद ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पे हुक वगैरह है ना वहाँ पे हम पेपर देकर अगर रखेंगे तो ज़रा सा भी नमी होगी तो इस पेपर में सौंख लेगा, यानी कि नमी के कारण जो जंग लगती है वो जंग नहीं लगेगा। पहले से ही अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ज़रूर इस टिप को आजमा कर देख सकते हो। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये जो बिंदी है, कभी कभी क्या होता है हम सारा दिन के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो बीच में ही ये बिंदी निकल आता है, यानी कि गिर जाता है, तो कैसे इसको यूज़ करें कि हमारे बिंदी ना गिरे। तो दोस्तों अगर हम कहीं जाते हैं ना तो 5 से 10 मिनट पहले अगर इस बिंदी को फ्रीजर के अंदर रख देते हैं
उसके बाद अगर हम पहनेंगे तो देखोगे ये इतना अच्छे से अटकेगा कि ये गिरेगा नहीं, कितना भी पसीना आ जाए ये गिरने वाला नहीं है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है। आप अगर सारा दिन के लिए कहीं जाते हो ना तो 5 से 10 मिनट पहले इसको फ्रीजर के अंदर रख दोगे, उसके बाद पहनोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। अगली टिप होगी इस कुकर को लेकर। दोस्तों यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, कुकर में हम खाना बनाते हैं लेकिन बनाते समय देखते हैं कि इसमें सीटी नहीं बज रही है, तो हम क्या चेक करते हैं कि ये रबर ढील तो नहीं हुआ। तो अगर रबर ढील हो जाती है तो इमरजेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको ना आधा घंटा के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए दोस्तों, आधा घंटा के लिए अगर फ्रीजर में रख दोगे उसके बाद जब यूज़ करोगे ना तो देखोगे ये टाइट हो जाता है, लेकिन आपके पास जब समय हो तब इसको चेंज करवा लेना। अब दूसरी क्या हमें देखना चाहिए कि सीटी क्यों नहीं बज रही है दोस्तों, ये जो छेद वाला जगह है ना तो इसको हमें इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह से तो हम हमेशा करते हैं, हर कोई करते हैं, करते होंगे दोस्तों, और करना भी चाहिए। लेकिन आज जो मैं टेस्ट बताने वाली हूँ वो बहुत ही बढ़िया है, इजीली से आप कर सकते हो और जान सकते हो आपका कुकर ठीक ठाक है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि एक गिलास हो या फिर आधा गिलास करीब पानी इसमें डाल दिया, और देखोगे नीचे से जो होल है ना उससे समान तरीके से पानी गिरता रहेगा। अगर रुक रुक कर गिरता है तो समझोगे इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये देख सकते हो ये रुक रुक कर नहीं गिर रही है, समान तरीके से गिर रही है, यानी कि ये एकदम से ठीक ठाक है। तो इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। जान सकोगे कि आपके कुकर में प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर रुक रुक कर गिरता है तो इसको ठीक करवा लेना चाहिए। अब चलिए हम देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो अगली वाला टिप होगी, मैं अभी कुकर में खाना बनाने जा रही हूँ दोस्तों, और मैंने जो महसूस किया वही आप सबके साथ शेयर किया। तो मैं यहाँ पे चने के दाल भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि अगर पहले से भिगो के रखोगे ना तो जल्दी गल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं इसको मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था और देखा ये सीटी नहीं बज रही है, यहाँ से अंदर से भाप निकल रही है, यानी कि इसमें सीटी नहीं बजने वाली है। तो हमें इमरजेंसी के लिए जो करना है वही मैं आप सबके साथ शेयर किया। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, अगर आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप ऐसे ना कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि थोड़ा आटा को इस तरह से मिला लिया है, जैसे हमें रोटी के लिए आटा बनानी है तो थोड़ा सा ढीला किया है, और जहाँ से अंदर से निकल रही थी वहाँ पे मैंने इस तरह से आटा को लगा लिया है, और लगा लेने के बाद देखा आराम से ये सीटी बज चुकी है, यानी कि मेरे काम बन गई है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है, आप देख रहे हो कि अंदर से भाप निकल रही है, तो आप इस तरह से आटा देकर काम चला सकते हो। लेकिन दोस्तों ये इमरजेंसी के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, जब आपका वक्त हो तो इसको ज़रूर ठीक करवा लेना चाहिए दोस्तों। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। मैंने जैसे कि बेसिन क्लीन कर रही हूँ, और मेरे हिसाब से ये हर कोई करता है, यानी कि हार्पिक इस तरह से डालकर कर लेते हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि ये तो हम आराम से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हाथ हमारी नहीं जाती है वहाँ पे कैसे क्लीन करें, क्योंकि कोई कोई जगह ऐसा होता है कि हमारे हाथ नहीं पहुंच पाती है, यानी कि उंगलियां भी नहीं जाती है, तो उसी जगह को भी क्लीन करना तो ज़रूरी है। तो वही टिप मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा को क्लीन कर लिया है, क्लीन यानी कि रगड़ लिया है। अब चलिए जो ये टैप है ना, तो टैप की जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर हमारी हाथ नहीं पहुँचती है, अगर पहुँच भी जाती है तो मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया टिप है, ये जो कंघी है, कंघी की मदद से हम क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें मैंने लगा लिया है स्क्रबर, और इसको इस तरह से कहीं भी हम घुसा सकते हैं, घुसा के क्लीन कर भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप अगर करोगे तो आपका समझ में आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। इस तरह से करके देखोगे मज़ा आ जाएगा, यानी कि एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप।
जो ताले वाला टिप है ना वही, तो ये यहाँ पे एकदम स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही काम की टिप है। तो यहाँ पे हमें चाहिए लोहे का जो तवा है वही, नॉन स्टिकी तवा यहाँ पे नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर नॉन स्टिकी में करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, अगर लोहे के तवा पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने लिया है ताले, तो ताले को इस तवे पर रख दिया है और इसको अच्छे से गरम करनी है, और अच्छे से गरम अगर करनी है तो इसको ढकना भी ज़रूरी है। अगर ढक दूंगी ना तो जल्दी से गरम हो जाएगा, और अच्छे से गरम होगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं अच्छे से ही गरम करूँगी। तो चलिए कुछ ही देर में ये गरम हो जाता है, लेकिन बात ये है दोस्तों, जब गरम हो जाता है ना तो इसको सावधानी से उतारना पड़ता है, क्योंकि ये जो कटोरी है ना, तो कटोरी भी बहुत ही गरम हो चुका है। अब इस ताले को उतारने से पहले मैं क्या कर रही हूँ आप देखते रहिए, बहुत ही बढ़िया टिप है, आपका काम आने वाला है। तो मैंने एक कॉटन लिया है और इसको डबल कर लिया है, यानी कि डबल करके इसको इस तरह से फैला दिया है। अब एक ताला को ना इस तरह से इसके ऊपर रख दिया। अब रखने के बाद क्या करूँगी, इसको फोल्ड करूँगी, इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। कर लेने के बाद चलिए ये बन चुका है, अब ये किस काम में आने वाला है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। किसी किसी के पैरों में ना इस यहाँ पे चोट लगती है, और चोट लगने के कारण चलने फिरने में भी दिक्कत आ जाती है। तो हमें इस तरह से अगर सिकाई करते हैं ना लोहे के ये जो ताला है और लोहे के तवा पे जो गरम किया है, इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। तो अगर इस तरह से इसको बांध दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्यों, ये जो पैरों के नीचे जो एड़िया है, तो एड़िया में भी बहुत सारे लोगों की दर्द होती है, और उसके लिए बहुत दिक्कत भी होती है। तो इस तरह से अगर ताले को बांध दोगे, और जितना देर तक ये ताला गर्म रहेगा उतना देर तक बंधा हुआ रहेगा, तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों। ये कभी कभी कर लेना चाहिए, घरवा ये तरीका है तो बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं ये आजमा चुकी हूँ, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।